guys and assalamu alaikum, welcome back to my channel. I hope you all are fine and doing pretty well. So before starting this video, I requested you to subscribe to my channel and hit that bell button and keep watching my video. For those who are new to our channel, please subscribe to my channel. It would be lovely that if you become our YouTube family. And for those who don't know, I am also on Instagram, so follow me on Instagram, link is down in the description box below. So let's straight get into this video. तो आज की वीडियो जो है वो एक फेस वॉश के बारे में है. तो इसके ब्रांड नेम से हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जो है ये रिवाज यूके का है. रिवाज यूके के बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं. इस फेस वॉश को मैं आपको बता दी चलूँ, मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर की थी कि फेशियल किट रिवाज यूके की फेशियल किट की आपके साथ मैंने रिव्यू शेयर किया था. तो उसके अंदर जो लास्ट स्टेप में आप ये फेस वॉश भी यूज़ कर सकते हैं. आप इसे डेली बेसिस पे टू टाइम्स से यूज़ कर सकते हैं इस फेस वॉश को. सो इसका रिव्यू हम अब स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले ये है ब्रांड नेम इसका जो है वो रिवाज यूके का है. आप रिवाज यूके के तो आम आपके बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैंने शेयर किए हैं आपके साथ. अच्छी कंपनी है और स्पेसिफिकली बहुत अच्छी इसकी फेशियल किट है. उसके साथ ये अगर आप मंगवाएंगे तो बहुत अच्छा. आप इकट्ठे भी मंगवा सकते हैं, आप सेपरेट भी मंगवा सकते हैं. सो दिस इज़ इकोनॉमिकल फेस वॉश एंड दिस इज़ वेरी इफेक्टिव फेस वॉश फॉर गिविंग फेयरनेस. सो ये इसका नाम है चारकोल फॉर्मिंग फेस वॉश वाइटनिंग ऑयल फ्री डिटॉक्सिफाइंग. सो मेन इंग्रेडिएंट जो है इसका नेम हो गया, ब्रांड नेम रिवाज यूके. एंड देन यू कैन ऑर्डर इट फ्रॉम daraz.pk एज वेल फ्रॉम द ऑनलाइन स्टोर, रिवाज यूके के ऑनलाइन स्टोर से एंड फ्रॉम द लोकल मार्केट भी आराम से अवेलेबल है. सो इसमें मेन इंग्रेडिएंट जो है एज यू कैन सी चारकोल डाला हुआ है. यहाँ पे ब्लैकिश जो है ये चारकोल डाला हुआ है. चारकोल इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर गिविंग फेयरनेस, जिससे आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा वाइट होती है. तो आप आजकल देख रहे हैं बहुत ट्रेंडिंग है चारकोल की वाइप्स यूज़ की जा रही हैं, मतलब मेकअप रिमूविंग चारकोल वाइप्स यूज़ की जा रही हैं. फेयरनेस में क्रीम्स में चारकोल डला हुआ है, फेस वॉशेस में डला हुआ है, मास्क में डला हुआ है. सो इट इज़ वेरी ट्रेंडी दीज डेज के बहुत ज़्यादा जो है ना वो फेस वॉशेस में और चीज़ों में डला हुआ है. एंड इट इज़ क्वाइट इफेक्टिव फॉर गिविंग फेयरनेस एज वेल. सो यहाँ पे दिया हुआ है प्योरीफाइंग डीप क्लिनजिंग. सो ये आप क्लिनजिंग आपके फेस को क्लिंस आउट अच्छी तरीके से कर देता है. वो आगे डिस्क्राइब कर दूंगी जो इसके आगे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है. एंड इट इज़ ऑल्सो फॉर ऑल स्किन टाइप, तमाम स्किन टाइप वाले से यूज़ कर सकते हैं. रादर एक्नी प्रोन हो, कोई भी स्किन हो, यू कैन यूज़ इट. देर इज़ नो साइड इफेक्ट आफ्टर अप्लाइंग दिस. सो इसकी जो क्वान्टिटी है वो हमें 150 ml, एज यू कैन सी इसकी क्वांटिटी हमें 150 ml मिल रही है. सो दिस ट्यूब इज़ क्वाइट अ लॉन्ग ट्यूब, मतलब काफ़ी बड़ी है एंड इट्स अ ह्यूज क्वांटिटी. वन पर्सन यूज़ करेगा काफ़ी अर्से तक, आप वन मंथ तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर प्रोडक्ट है. काफ़ी ज़्यादा जो है वो ये चल सकता है, वन या टूज भी नहीं, आई थिंक थ्री मंथ्स चलेगा अगर वन पर्सन यूज़ करेगा. काफ़ी ज़्यादा है. पैकेजिंग इज़ क्वाइट नाइस, पैकेजिंग इसकी ख़राब नहीं होती, बहुत अच्छी इसकी पैकेजिंग है. एंड कंसिस्टेंसी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, इट्स क्वाइट थोड़ी थिक इसकी कंसिस्टेंसी है. सो हेयर इज़ द इंग्रीडियंट, हेयर इज़ अ डिस्क्रिप्शन दैट इज़ गिवन. तो इसका डिस्क्रिप्शन हम देख लेते हैं. रिवाज चारकोल फॉर्मिंग फेस वॉश डिलीवर्स अ डीप पोर क्लीन. तो इससे आपके पोर्स जो हैं वो क्लीन हो जाते हैं. एंड चारकोल पाउडर, तो इससे चारकोल पाउडर इसके अंदर डाला हुआ है. थोड़ा सा इसके अंदर आप कहेंगे कि स्क्रब टाइप के लिए इन्होंने थोड़ा सा चारकोल पाउडर डाला हुआ है, जिसकी वजह से आपकी जो स्किन है उस पर से जो है वो डेड सेल्स जो हैं वो क्लीन आउट हो जाएंगे, डर्ट क्लीन आउट हो जाएगी. नेचुरल चारकोल ड्रॉस आउट द डर्ट, जिससे आपकी जो डर्ट है वो जितनी फेस पर होगी वो निकल जाएगी. एक्सेस ऑयल, या आपका ऑयल भी कंट्रोल करेगा, जो एक्सेस ऑयल होगा उसको भी रिंस आउट कर देगा. दैट कैन क्लॉक पोर्स. तो आपके फेस पर जितनी डर्ट, जितनी सीबम, जितना ऑयल और जितने पोर्स जो आपके जो हैं वो क्लॉक किए होंगे डर्ट सीबम वगैरह ने, उनको अनब्लॉक कर देगा और अच्छे से जो है वो आपके फेस क्लीन आउट कर देगा. सूदिंग नॉन ड्राइंग लेदर जेंटली फॉर्म्स अवे इम्प्योरिटीज़, लीव्स ऑल स्किन टाइप फीलिंग फ्रेश एंड कम्फर्टेबल. मतलब जिससे आपको अच्छी सी फीलिंग आएगी, क्योंकि स्पेसिफिकली आपके अच्छी तरीके से जो है वो डर्ट सीबम और सारा जो है वो रिंस आउट करने से वो अच्छी तरीके से जो है वॉश कर देगा, जिससे आपको लाइट फील होगा और जितनी भी डर्ट वगैरह है वो आपकी सारी रिंस आउट हो जाएगी जब आप अपना फेस धोएंगे.
सो गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ टू यूज़, तो इसका यूज़ का उन्होंने फुल मेथड दिया हुआ है, यूज़ ट्वाइस अ डे मॉर्निंग एंड नाइट, मतलब आप इसको दिन में दो बार यूज़ कर सकते हैं, सुबह और शाम जो इसका मेथड है, ठीक है। लेदर बिटवीन द पाम्स विद द टेप एंड वाटर एंड मसाज ऑल ओवर द डीप ऑल ओवर द डैम्प स्किन टू रिमूव डर्ट एंड ऑयल, रिंस वेल एंड टॉवल ड्राई, मतलब आपने इसको अपने हाथ में लेना है, टैप वाटर से थोड़ा सा इसमें मिक्स करना है, देन अपनी स्किन पे अप्लाई करना है, फेस पे अप्लाई करने के बाद उसको जेंटली मसाज करना है, क्योंकि इसमें इन्होंने कहा था कि चारकोल पाउडर डाला हुआ है जिससे आपकी जो है वो डेड स्किन जो है वो टाइनी टाइनी सा है, इतना ज़्यादा नहीं है, जिससे जो है वो आपकी डर्ट वगैरह सारी रिंस आउट हो जाएगी, देन आपने इसको वाटर से धो लेना है और बाद में इसको टॉवल से ड्राई कर लेना है। आई वुड प्रेफर कि आप टॉवल से ड्राई मत करें, आप कोई भी टिश्यू पेपर लेके उससे ड्राई करें, अगर आपने फेस ड्राई करना है, इट विल प्रिवेंट एक्नी, क्योंकि जो आप टॉवल यूज़ करते हैं वो काफ़ी अरसे तक फिर वो वेट रहता है, आप उसको धोना इतना प्रेफर नहीं करते, या वेट की वजह से जो है उसमें बैक्टीरिया वगैरह हो जाते हैं, वो एक्नी ज़्यादा आपको कॉज करता है। सो प्रेफर दैट यूजिंग टिश्यू पेपर एंड डिस्कार्ड इट, ठीक है। यूज़ करें वंस टिश्यू पेपर या कोई भी मेकअप वाइप यूज़ कर लें, जो कॉटन पैड होते हैं उनको यूज़ करें, अपने फेस को क्लीन कर लें और फिर बाद में उसको फेंक दें, जिससे आपकी जो है वो बैक्टीरिया इतना तो नहीं रहेगा ना, मतलब वो ड्राई में तो नहीं होता, वेट में होता है, वेट चीज़ जो है वो ज़्यादा आपको पिंपल वगैरह निकालेगी, तो आप उसको मत यूज़ करें। सो यहाँ पे इन्होंने इंग्रेडिएंट्स गिवन है और यहाँ पे आप इनका देख सकते हैं www.rivajuk.com इनका ऑनलाइन स्टोर है। अब कंसिस्टेंसी देख लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि मैं इसकी कंसिस्टेंसी भी आपके साथ शेयर करूँगी। इट्स क्वाइट इस तरीके से इसकी पैकेजिंग है, पैकेजिंग जो है वो फुल सील्ड थी जब ये मैंने ऑर्डर किया था, देन यहाँ से ऊपर से खोल के अंदर वाली जगह पर, मतलब यहाँ पर नो थोड़ा सा मैसी है, क्योंकि मैं इसे यूज़ करके ही रिव्यू आपको देती हूँ, तो रिव्यू यूज़ करने में थोड़ा हो जाता है, यहाँ पर इसका वो लगा हुआ था, सील्ड था, ये अच्छी इसकी पैकेजिंग थी, सील्ड था फुल। और अब मैं इसका आपको दिखाती हूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, थोड़ी इसकी थोड़ी वाटरी है, इतनी ज़्यादा थिक नहीं है जितनी मसाज क्रीम वगैरह की थी, इस तरह की मसाज क्रीम वगैरह की मैंने जो आपको रिव्यू दिया था उसमें थोड़ी सी उसकी थी, इसकी थोड़ी वाटरी कंसिस्टेंसी है, इतनी ज़्यादा थिक नहीं है जैसे फेस वॉश की होती है, लेकिन फेस वॉश से थोड़ी सी थिक है। सो इट्स लाइक अ चारकोल, देखें आप देख रहे हैं कि चारकोल की वजह से थोड़ा ब्लैक है, सो डोंट बी अफ्रेड कि ये क्यों ब्लैक है या फिर ये कुछ ब्लैक करेगा, बट इट विल गिव यू फेयरनेस एंड इट विल गिव गुड रिजल्ट ऑन योर स्किन एंड इट इज़ स्पेसिफिकली फॉर ऑल स्किन टाइप। एज यू कैन सी कि इसके अंदर उन्होंने बहुत टाइनी चारकोल जो है वो यूज़ किया हुआ, आप खुद भी देख सकते हैं कि इसके अंदर वो नहीं है, ग्रैन्यूल्स नहीं है। सो आई प्रेफर दोज कि प्लेन आप यूज़ करें, जो एक्नी जिनको होती है वो प्लेन यूज़ करें फेस वॉशेस, अगर आप स्क्रब वाले यूज़ करेंगे ना उसमें आपको पेन होगी अगर आप स्क्रब उसके ऊपर करेंगे एक्नी पिंपल्स पे। तो दिस इज़ अ टिप फॉर एक्नी पीपल, दिस इज़ आल्सो गुड फॉर, दिस फेस वॉश इज़ आल्सो गुड फॉर एक्नी स्किन, क्योंकि एज यू कैन सी आप इसमें देख सकते हैं कि देर इज़ नो ग्रैन्यूल्स, कोई भी इसमें ग्रैन्यूल नहीं है, तो अगर आप इसको रगड़ेंगे भी ऐसे करके कि जैसे फेस धोने के लिए तो हर कोई करता है, तो उससे आपको एक्नी वाले मतलब पेनफुल एक्शन नहीं होगा। सो दिस इज एडवांटेज फॉर एक्नी स्किन वाले लोगों के लिए भी। सो गाइस दिस इज अ रिव्यू, आई होप यू लाइक इट, दिस इज आल्सो अ गुड प्रोडक्ट फॉर द फेयरनेस, फॉर द ग्लो एंड फॉर हेल्दी स्किन के लिए अच्छा है। सो गाइस आई एम एंडिंग दिस व्लॉग राइट हियर, आई होप यू लाइक इट, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।